नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बाहुबली के तौर पर जाने जाने वाले बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी को लेकर लगातार मुश्किलें बढ़ती नजर आती है, लेकिन इस कड़ी में उनके बड़े बेटे जो विधायक हैं अब्बास अंसारी फिलहाल कासगंज जेल में बंद हैं। उनकी पत्नी अफसा अंसारी लगातार फरार चल रही है, तो वहीं बेटे उमर अंसारी भी फरार चल रहे थे, लेकिन अब मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है और अब गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। पूरा मामला क्या है, क्या कुछ हुआ है, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बताता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर से नेता बने बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान उनके खिलाफ दर्ज मामले में गिरफ्तारी से सुरक्षा दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत न मिलने के बाद उमर अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दिया था। दरअसल 4 मार्च 2022 को मऊ जिले के कोतवाली पुलिस स्टेशन में अब्बास अंसारी, जो कि मऊ सदर सभा विधानसभा सीट से सुभाषपा के विधायक हैं, उम्मीदवार हैं थे, उमर अंसारी और 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि 3 मार्च 2022 को पहाड़पुरा मैदान में अब्बास अंसारी, उमर अंसारी और आयोजक मंसूर अंसारी ने एक सार्वजनिक बैठक में भड़काऊ भाषण देते हुए मऊ प्रशासन के साथ हिसाब किताब करने की बात कही थी। आचार संहिता के उल्लंघन का दर्ज हुआ था केस। यह चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मामला था। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन के लिए दायर एक आपराधिक मामले में गिरफ्तारी से सुरक्षा दे दिया है। जस्टिस ऋषिकेश राय और जस्टिस पी के मिश्रा की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। अंसारी का प्रतिनिधित्व करे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने तर्क दिया था कि मुख्य आरोपी को मामले से पहले ही नियमित जमानत जो है वो दी जा चुकी है। पिछले साल 19 दिसंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उमर अंसारी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। कोर्ट ने कहा था कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए अपराध बनता है। बाकी जिस तरीके से उमर अंसारी को बड़ा राहत मिला है उस पर अपनी राय बताइएगा। धन्यवाद।